हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिस इज माय फर्स्ट ट्रैवल व्लॉग, और जिसमें कि मैं, मेरा हस्बैंड, उसका फ्रेंड, हम लोग घूमने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू ओली, और सिंस वी आर ऑन अ रोड ट्रिप तो हम सोच रहे हैं कि बीच में हम कहीं ना कहीं और होते हुए जाएं। तो राइट नाउ अभी तो हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं यहाँ पे, और फिलहाल मेरे साथ बोलो बड़ा ही थका हुआ सा हलो था। बहुत सुबह के उठे हैं हम, और तब से हम ट्रैवल कर रहे हैं। अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन हम डिसाइड करेंगे कि रास्ते में हम कहाँ हो जाएंगे। जस्ट आफ्टर क्रॉसिंग हरिद्वार वी स्टॉप्ड एट दिस प्लेस टू ईट सम स्नैक्स, एंड वहाँ पे हमने बोल राइड भी किया। अरे मास, अरे मास। Now we decided to stop at Rishikesh, वहाँ पे हम river rafting करेंगे and then we'll move forward to Oli. So we have finally reached Rishikesh, हम यहाँ आ गए हैं और अभी we are setting up for river rafting. तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं rafting के लिए। Ready for rafting. पीछे देखो, पीछे। यस, रस्सी पकड़ के जा। यस, दोनों पांव बाहर निकालो। यस, माउथ क्लोज, नाउ गो जंप। एक हाथ छोड़ो। यस, ठंडा लग रहा है पानी? क्या गर्म है? ठंडा यार भैया। We were literally trying very hard, but we went with the flow, और बस हम backward ही जाए जा रहे थे बार बार। Wait. इधर आओ। After river rafting, we straight went to eat some hot Maggi and drink hot cup of tea. So guys, this is day 2, और कल हम रात में टेंट में रुके थे और अभी हम जा रहे हैं चंबा। चंबा ओली की तरफ। एक रास्ता बंद था यहाँ पे, तो हम दूसरे रोड की तरफ से जा रहे हैं। हमें तकरीबन एक घंटा लेट हो जाएगा ना, मतलब ज़्यादा हमें वेट पड़ गया। काफ़ी देर से हम ड्राइव करे जा रहे हैं, हालत देख सकते हैं हम हमारी, बिना नहाए धोए नाइट सूट में ही निकले हुए हैं। बट देर इज़ अ वेरी वेरी नाइस व्यू जो मैं आप सभी को दिखाना चाहती हूँ। लेट मी शो। ये नीचे सारा ऋषिकेश है जो आपको घर दिख रहे होंगे। This is so pretty, यार। So we were on the way to Oli, but अभी हम यहाँ पे टहरी लेक के पास रुके हैं। यहाँ पे हम बोट सर्फिंग करेंगे। कैसा लगा परेश? Excited for the boat surfing? करी है तुमने पहले कभी? नहीं। मेरा भी first time ही है, मैंने भी कभी नहीं करी। So let's see how this goes. So परेश drove this water bike for the first time and काफ़ी interesting था उसे देखना, क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से drive किया था। जो सामने mountain दिख रहा है उसने वहाँ तक straight drive कर लिया था, काफ़ी दूर ले गया था। ये बिल्कुल expected नहीं था कि इतनी आगे तक चला लेगा, और बहुत ही अच्छे से उसने turn भी ले लिया था। वापस आते time जो भैया थे उन्होंने water bike को ride किया था, यू कैन सी कि कितना यार fast drive कर रहे थे। It was amazing experience.
सो जब मेरी बारी आई, जब मैंने ड्राइव किया तो मैं काफ़ी ज़्यादा स्लो ड्राइव करी थी, मतलब मेरी स्पीड थी शायद 5 या 10 में मैं ड्राइव करी थी, इतना धीरे था कि बस यूँ लग रहा था बस चप्पू चला रही हूँ, मतलब बाइक तो वाटर बाइक तो चला ही नहीं रही ऐसा लग रहा था। सो टर्न लेते टाइम भी मैं ज़्यादा पैनिक कर गई थी, तो आई हैंडेड इट ओवर टू दैट बोट वाले भैया, तो उन्होंने ही चलाया और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि उन्होंने बहुत फास्ट चलाई थी। उन्होंने बोल दी भैया और तेज़ चलाओ, बहुत मज़ा आ रहा था। एंड आफ्टर दिस राइड हमने बस कुछ फोटोज़ क्लिक करी क्योंकि वहाँ का व्यू जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर था, देयर वाज दिस ब्लू लेक जो बहुत सुंदर लग रही थी, उसके पीछे माउंटेन्स थे, सो ओवरऑल वी एंजॉयड दैट टीरी लेक वाला लोकेशन वेरी मच। अभी रात हो चुकी है, उस टाइम जब हमने वाटर राइड ली थी टेरी लेक के पास, तो तब से हम ड्राइव के लिए निकले हुए हैं ताकि हम ओली पहुंच पाए, बट हम कहीं रास्ते में लॉस्ट हो गए थे, हमें समझ नहीं आ रहा था, मैप पे भी सही डायरेक्शन शो नहीं हो रहा था, तो काफी ज्यादा घंटे की ड्राइविंग के बाद फाइनली हम एक छोटी सी सिटी में आके रुके हैं, दैट इज श्रीनगर। जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं, ये उत्तराखंड वाला श्रीनगर है जो ओली से कुछ 5-1 घंटे पहले आ जाता है, तो अभी हम वहां रुके हुए हैं, कल फिर से निकलेंगे ओली जाने के लिए और होपफुली कल हम बस हम पहुंच जाए। और मैंने बोला था कि हम आज तो पक्का पहुंच जाएंगे, बट ये इतना लंबा जाम है और यहाँ पे ये जो पत्थर गिरा हुआ है पता नहीं कब तक हटेगा। फाइनली जाम खुल चुका है और हम सभी तैयार हैं चलने के लिए, फिलहाल मेरे पीछे कोई नहीं दिख रहा होगा बिकॉज यहाँ पे सभी एक कोना ढूंढ के फोटोशूट करने में लगे हुए हैं, एंड आई एम जस्ट सिटिंग इन द कार एंड रिलैक्सिंग। सो वी आर अबाउट टू रीच ओली, हम जोशमठ से थोड़ी पहले पहुंच चुके हैं, एंड देर इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल पॉइंट गाइज, सी बिहाइंड मी, माई गॉड बहुत ज्यादा डरावना सा लग रहा है, बट शिट वेरी वेरी ब्यूटिफुल। Finally reached to Oli and this is a small cottage जिसमें हम रह रहे हैं, and view मैं शायद दिखा चुकी हूँ, I exactly don't remember, can see यार पता है बहुत ही अच्छा view है, and let me show you the cottage from the front side। So that's a view from the inside of cottage, काफ़ी छोटा सा cottage है ये, but it's very very cute। यहाँ पे 2 chairs हैं, it's a heater क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, this walls color I really like, this purple color, and this view is definitely most beautiful। that's it, यही है, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा सामान रखा है, और there is a small section, इस door को खोलेंगे जब हम, then there's a small section for washroom, bathing or toilet kind of the stuff। कि हमने थोड़ा स्नैक्स खाया है और हम थोड़ी देर बाद डिनर वगैरह करेंगे, राइट नाउ आज हम बस रेस्ट करने वाले हैं, तो सी यू गाइस टुमारो। इट्स नेक्स्ट मॉर्निंग एंड वी आर गोइंग टू द 8th पॉइंट ऑफ द ओली, ये सुबह का टाइम है, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, मैं आप लोगों को ज़रूर साथ में ट्रैक पे लेके जाने वाली हूँ, बट लेट्स सी मैं खुद ही कितना चल पाऊँगी, मुझसे तो नहीं हो पाता ट्रैक यार, अगर मुझसे ट्रैक ना हो तो तू मुझे गोदी में उठा लोगे? सो हमें उस एरिया तक ट्रैक करना है, इनफैक्ट उससे ज्यादा, बट हम हाँ तो हम उस एरिया तक चेयर लिफ्ट के थ्रू जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा तो रास्ता कम होगा ना यार चलने के लिए, इतना कौन चलेगा, और मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी क्योंकि डर लगता है यार बैठ के पकड़ने के लिए भी कुछ भी नहीं। परेश इज एक्चुअली लिटिल अफ्रेड ऑफ हाइट्स, तो वो काफी डरा हुआ बैठा था और मुझे भी एकदम कस के पकड़ रखा था उसने।
हमने अप्रोक्स 2.5 किलोमीटर तक का ट्रैक कर ली है, बट अब मेरी सांस निकल चुकी है एंड आई एम नॉट एबल टू डू एनी मोर ट्रैकिंग। हम यहाँ से आई डोंट नो, इसका नीचे वाला पॉइंट तो दिख ही नहीं रहा है, मतलब बहुत नीचे से हम ट्रैक कर कर आए हैं। तो फिलहाल हम लोग घोड़े पे जाने वाले हैं, दैट्स इट। जो परेश का घोड़ा था उससे नीचे गिरा दिया और एक तरीके से लात मारी गई, बहुत जोर से लात भी मारी है, कमर में चोट लग गई भाई। ये इसके पैर मार रहा था तो तुम्हें मारेगी। सो वी फाइनली रीच द गॉडसन वैली और यहाँ पे हमने थोड़ा सा रेस्ट किया है और अभी हम थोड़ी सी और ऊपर जाने की सोच रहे हैं, बट द व्यू हेयर इज वेरी ब्यूटीफुल, लेट मी शो यू। और अभी हम थोड़ा सा और ऊपर की तरफ ट्रैक करने वाले हैं क्योंकि इस एरिया में थोड़ी थोड़ी स्नो है, ऊपर जो इस के बैक साइड पे है वहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा स्नो है, तो अभी हम उस एरिया में जा रहे हैं। अभी आधा किलोमीटर रोड चलना है हमें, आधा किलोमीटर रोड चलना है हमें अभी ना, फिर कह रहे हैं ये स्कीइंग होगी पीछे थोड़ी सी, फिर उसके बाद ये लोग मुझे उठा के नीचे उतारेंगे, उठा के नीचे नहीं उतारेंगे, आपको वहाँ से धक्का दे दिया जाएगा सिलेंडर की तरह और आप बढ़िया पहुँचोगे ऋषिकेश तक पूरा यहाँ से। अंदर ही आऊंगे बर्फ के, मेरे मत मारियो। पहुंची हैं सबसे ऊपर तक, सांस अभी निकल चुकी है, ऊपर तक अभी और ऊपर जाना है, कहां वो उस पहाड़ पे जाना है बर्फ वहां पे जहां पे स्कीइंग होएगी, वो वाले पहाड़ पे ऊपर सामने दिखा दे। कौन जाएगा तो वहां, हम जाएंगे पैदल, यस पैदल, चलो चलो यार खड़े हो चलो। सो वेन वी रीच ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन तो हमने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया, स्नो में हम लोग खेले एंड आई वोर अ साड़ी ओवर देयर। ये विश लिस्ट में थी मेरी ये चीज़ कि मुझे बर्फ में एक दिन साड़ी पहननी है, सो आई जस्ट वोर दैट। और उसके बाद वहाँ पे स्नोफॉल भी हुई एंड इट वॉज लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल, मेरी लाइफ की पहली स्नोफॉल थी ये, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल नहीं थी, थोड़ी हल्की हल्की हो रही थी, बट हाँ मेरे लिए मतलब पहली स्नोफॉल थी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। ये देख 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 देख, वाह वाह, खड़ा खड़ा निकलेगा हाथ रख। तो यहाँ जब मेरा पैर फंसा था तो आई वॉज वेरी स्केयर्ड और काफी ज्यादा देर वहाँ रुकने की वजह से वो जमता जा रहा था, तो काफी मुश्किल से बाहर निकला। बैक एट अवर कॉटेज और ये रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत जोर से गिरे थे, इनफैक्ट जब घोड़ी ने इनके लात मारी तो उसके बाद ये दोबारा कीचड़ में गिर गया, तो इसकी कमर बहुत दुख रही है, पट्टी वट्टी बांध के बैठा हुआ है, अभी रेस्ट कर रहा है। ये बंदा सच में ट्रैकिंग करके आया है, हम तो बस घूम के आए हैं। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर आवर स्नैक एंड दिस इज द व्यू फ्रॉम आवर विंडो एंड दैट्स द व्यू फ्रॉम आवर विंडो। अच्छा से सो वी आर गोइंग बैक, अभी हम ओली से तो वापस जा रहे हैं। आई विल डेफिनेटली मिस दिस प्लेस क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, आई मीन आई कैन स्पेंड मैनी डेज हेयर, नॉट मंथ्स नॉट ईयर्स बट डेज ओनली, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाली है यार, इतना ज़्यादा खाली में थोड़े टाइम बाद आपको अकेला अकेला फील होने लग जाता है ना। एनी वे नो डाउट दिस प्लेस इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल और जाने का मन तो नहीं कर रहा बट जाना पड़ेगा, ऐसा ही होता है। ओली हम वापस ज़रूर आएंगे एक ना एक दिन।